वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू भारत ध्वज एकेडमी। और आज के इस लेक्चर में हम क्या कवर करने वाले हैं? टोराइड्स। तो हमने इस सोलर सिस्टम क्या पढ़ा था? सोलेनोइड। तो सोलेनोइड्स क्या होता था? मेंडिफिल बनाने का एक तरह से इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। अब देखो, हमारे पास थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग मेंडिफिल बनाना होता है तो हम यूज करते हैं टोराइड्स। तो टोराइड्स क्या होता है, हम क्या करें, सोलेनोइड को कर दें बेंड कर दें, क्या कर दें बेंड कर दें, और किसकी फॉर्म में करें, सर्कुलर शेप की फॉर्म में, और उसके एंड्स को हम क्या करते हैं, जोड़ दें, ठीक है ने? तो इसको हम कहते हैं कि एंडलेस सोलेनोइड, एंडलेस सोलेनोइड, सोलेनोइड इज कॉल्ड टोराइड्स। अब देखो यहाँ पे जो करंट है, हम कह रहे हैं करंट यहां से एंटर करे इस तरह, तो यहाँ पे क्या है, एन लूप्स बने हुए हैं, तो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत स्ट्रांग बनता है, ठीक है नहीं? और वो कहाँ बनेगा, इस कोर मेटल के अंदर, यहां पर बनता है। तो यहां पर क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम कह रहे हैं कि मानो तीन पॉइंट मानने के मैग्नेटिक फील्ड और कहां हो सकता है, तो हमने क्या माना, यहाँ पे क्या मान लिया पी, यहाँ पे क्यू, और यहाँ पे क्या मान लिया आर, ठीक है नहीं? तो जब हम इसको यहां से मिलाएंगे, इस ओ को हम क्या मिलाएंगे, यहां से, तो ये क्या बनेगा पी को, और जब मिलाएंगे यहाँ पे, तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमेशा आपको दिख रहा होगा कि जब आप निकालेंगे बी इंटू डीएल, बी इंटू डीएल, तो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, तो क्या बनेगा बी डीएल, ठीक है नहीं? जब B इंटू डीएल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, B को तो बाहर रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, सर्कमफेरेंस आएगी, तो 2 पाई R। अब हम क्या माने, एच की रेडियस क्या मान लिया आपने, क्या मान लिया, जीरो से लेके, और यहाँ पे मान लेंगे, देखो पहले क्या आएगा, यहाँ पे L आएगा, और यहाँ पे क्या मानेंगे, 2 पाई R1, 2 पाई R1, तो क्या बन जाएगा ये B इंटू 2 पाई R1, ठीक है ना? यह इसको हम बोल सकते हैं कि P1, रेडियस क्या मान ली हमने, इसको P1 मान ली, तो यहाँ पे क्या आएगा B इंटू डीएल। अगर हम निकालेंगे सेम, कहाँ निकालेंगे, Q पर, तो B इंटू डीएल, B इंटू डीएल क्या आ जाएगा, मी नोट, दो सॉरी, B इंटू डीएल क्या आ जाएगा, B और 2 पाई और Q, ठीक है ना? तो ये क्या डिपेंड कर रहा है कि जो आपका लाइन इंटीग्रल है वो क्या आता है, बट हमारे यहाँ क्या पता है कि जब हम लगाते हैं एम्पियर्स लॉ, तो बी इंटू डीएल लाइन इंटीग्रल क्या हो जाएगा, मी नोट टाइम्स ऑफ द आई। अब देखो इन दोनों सर्किट में आपको दिख रहा है कि इन दोनों लूप्स के अंदर क्या है, कोई करंट नहीं है, कोई भी करंट नहीं है, तो बी पी और बी क्यू दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा और यहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनता है, तो यहां पर आप क्या होते हैं, सेफ होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है, तो उसको देखेंगे हम समझते हैं, हमारे पास की जो हमारे पास करंट कहां पर है, वो कहां पर है, सेगमेंट आर में, तो हम कह सकते हैं कि बी इंटू डीएल, तो क्या हो जाएगा बी नॉट टू पाई, और रेडियस हमने क्या मान ली इसकी, आर मान ली, और यहां पे कह सकते हैं कि बी, तो बी इंटू टू पाई आर, ठीक है। अब लगा देंगे एम्पियर्स लॉ, तो क्या बन जाएगा बी इंटू डीएल, तो क्या बन जाएगा बी इंटू टू पाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, मी नॉट आई इंटू ई। अब देखो यहाँ पे आई किसके बराबर है, तो आई किसके बराबर है, सिंपल क्या हो जाएगा, एन इंटू टू पाई आर। तो एन कहां पर है, एन मतलब ये क्या है, इसकी सर्कमफेरेंस है इक्वल की, इतने क्या है इसके अंदर सारे क्या है, सेम रेडियस के हैं, तो क्या आ जाएगा एन इंटू टू पाई आर, ठीक है। तो यहाँ पे करंट क्या रिप्रेंड करेंगे, ये क्या रिप्रेंड करेगा आपको, एन सॉरी यहाँ कह सकते हैं कि आपके पास क्या, आपके पास एन इंटू आई करंट क्या आ जाएगा, एन इंटू आई। और देखो एन क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या देंगे, एन इंटू टू पाई आर, और ये क्या बन गया आई, तो आई किसको रिप्रेंड करेगा, एन इंटू टू पाई आर इंटू आई। तो इसको जब यहां लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, टू पाई आर, तो क्या बन जाएगा, मी नॉट इंटू एन और टू पाई आर इंटू आई। तो देखो टू पाई आर कट जाएंगे, तो बी क्या आ जाएगा, मी नॉट एन इंटू आई। तो जो उसका एक्सप्रेशन है लाइक सोलेनोइड, लाइक सोलेनोइड, दोनों का एक्सप्रेशन क्या आता है, सेम आता है, क्या आता है, सेम आता है। अब अगर हम बात करेंगे फोर आइडियल टोराइड्स, जो हमारे पास आइडियल टोराइड्स होते हैं, जो उसका मैग्नेटिक फील्ड है आउटसाइड कितना होता है, जीरो होता है, आउटसाइड कितना होता है, जीरो होता है। तो फोर आइडियल टोराइड्स मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है आपके पास, जीरो बनता है बाहर। अब देखो दोनों में से ज्यादा बेटर कौन सा होता है, अगर हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाना होता है, प्रोड्यूस करना होता है, तो हम क्या यूज करते हैं, टोराइड्स।
क्योंकि जो इसके अंदर क्या है लीकेज ऑफ फ्लक्स वो क्या होता है सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। तो इस तरह जब भी हम यूज करेंगे तो क्या करते हैं सोलेनोइड की फॉर्म में ना करके किसमें करते हैं टोराइड्स में। ऐसा नहीं कि हर जगह सोलेनोइड नहीं करेंगे, सोलेनोइड भी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड। तो हम ज्यादा तरीके करते हैं सोलेनोइड भी करते हैं और क्या करते हैं टोराइड्स। दोनों का जो फॉर्मूला है वो कितना आ रहा है म्यू नॉट एन इंटू आई। अब देखो दोनों के दोनों में क्या है वो डिपेंड नहीं करते उसके पैरामीटर्स पर, उसकी लेंथ क्या है, एरिया क्या है, सर्कमफेरेंस क्या है, कुछ भी नहीं। बस वो किस पर डिपेंड कर रहे हैं परमेबिलिटी पर। अगर वहां पे मीडियम को चेंज कर दें तो बी क्या हो जाएगा म्यू नॉट की जगह आ जाएगा एन आई, ठीक है। अगर इसको हटाएंगे तो क्या बन जाएगा के म्यू नॉट एन इंटू आई। तो बी क्या है वो क्या हो जाएगा के टाइम्स ऑफ द बी नॉट। अगर हम कह रहे हैं ये क्या है बी नॉट है, तो अगर जो है इसके अंदर जो हम कोर मटेरियल बदल दें जिसका परमेबिलिटी क्या हो ज्यादा हो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बन जाएगा मोर स्ट्रॉन्गर, क्या बन जाता है मोर स्ट्रॉन्गर। तो वो क्या हो जाएगा उसका के टाइम्स। अगर आपको दे रखा होता है कि के क्या है, अगर आपको के दिया हुआ है तो क्या निकाल पाएंगे उसका मैग्नेटिक फील्ड, क्या निकाल पाएंगे उसका मैग्नेटिक फील्ड। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगा होगा। दिस वॉज ऑल अबाउट द टोराइड्स, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और घर पे क्या रहें सेफ रहें और क्या रहें हेल्दी रहें।